दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले आप सिर्फ पहले ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कम वीडियो में कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और इनके हर वीडियोस पे लाखों में तो व्यूज़ आ ही रहे हैं, और दोस्तों किसी किसी में तो करोड़ व्यू हैं, 3 करोड़ प्लस व्यू हैं। दोस्तों ये करते क्या हैं, मंकी डांस कर रहा है, ओ हैमर, ओके ओ हो, बस इतना सा काम करके इतने अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। जब दोस्तों व्यूज़ आ रहे हैं, दोस्तों कंटेंट में कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक भी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इनका ये खुद का कंटेंट है, तो दोस्तों व्यूज़ हैं तो पैसा तो बन ही रहा होगा। दोस्तों सिंपल है, वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, बैकग्राउंड साउंड कहाँ से लाते हैं, बस इतना सा चीज़ जानना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपका व्हीकल होगा, ट्रैक्टर होगा, जेसीबी होगा, बंदर होगा, सबका एक वीडियो ले लेना है। वीडियो लेने के बाद उसे काइन मास्टर में लाना है। मैं यहाँ पे काइन मास्टर ओपन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लियर करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद 16:9 का एक पेज क्रिएट करना है। जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, भी किसी भी खिलौने का आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के बाद उसे लाना होगा अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो मैं भी लेके आता हूँ, यहाँ पे मेरी एक वीडियो है, मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। और लेने के बाद दोस्तों इस वीडियो को हमें पहले जहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हुई होगी वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अब दोस्तों कट करने के बाद दूसरा काम क्या होगा, वो है ट्रैक्टर के साउंड का। उसके लिए दोस्तों आपको YouTube पे, YouTube के ऑफिशियल लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। YouTube पे नहीं बता सकता क्योंकि डाउनलोड यहाँ पे इलीगल है। तरीका बताना, आप किसी और तरीके से समझ जाइए, सीख जाइए, या फिर मुझे Facebook पे फॉलो कर लीजिए। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है, आप गूगल में जाइए, क्रोम में जाने के बाद वहाँ पे फ्री ट्रैक्टर वॉइस आप सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सबसे सरल, आप विडमैट एप्लीकेशन तो यूज करते ही होंगे, वहाँ पे आपको जाना है। और जाने के बाद दोस्तों उसमें आपको सर्च करना है ट्रैक्टर फ्री कॉपीराइट साउंड, तो आप वहाँ पे साउंड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं इसे यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने विडमैट से ही डाउनलोड किया था। और नो कॉपीराइट साउंड जो है आपको यहाँ पे लेना है, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम का झमेला मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जब हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तब वहाँ से हम अपने म्यूज़िक सेट करेंगे। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 11, यहाँ से हम 11 सेकंड पे यहाँ पे इसे सेट करेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ भी जिस तरीके से साउंड होगा उसी तरीके से आपको सेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसको मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपको कटपिट करना है कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, वो आपके एडिटिंग के ऊपर है किस तरीके से आपकी वीडियो है और उसी तरीके से आपका एडिटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ वरना इसी में मेरा दिन बीत जाएगा चलाते चलाते ट्रैक्टर। यहाँ पे कुछ इसे यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, काफ़ी लंबी मेरी वीडियो है। इस तरीके से दोस्तों हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों सेट करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है।
एक्सपोर्ट सेव एज वीडियो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट कर देना है, आपकी वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। फाइनली दोस्तों हमारी वीडियो बनके रेडी है कुछ इस तरह से। गया सामने गेहूं है और सामने खेत है, अब हम इसे नीचे उतारेंगे। ओके चलो उतरो। ओह हमारा ट्रैक्टर ऐसे फंस गया, अब क्या करेंगे। ओके फिर भी उतारेंगे हम। ओह हमारा ट्रैक्टर उतर गया। ओके अब हम इसे फिर से चढ़ाएंगे। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप अपना नया चैनल कब स्टार्ट कर रहे हैं कमेंट करके बताना। और दोस्तों आप अपने वीडियो को इस तरीके से एडिट करके महीने में चैनल ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।